हमारे साथ हैं तथागत तुलसी। सबसे कम उम्र में इन्होंने मैट्रिक किया और सबसे कम उम्र के ये प्रोफेसर भी हैं। हम बात करेंगे, इतने कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। कम उम्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे कड़े विषय को कैसे इन्होंने तैयारी किया और कम उम्र में ही इन्होंने ज़्यादा किस तरह से सफलता को प्राप्त किया। जी तथागत जी, कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। बचपन का सफ़र तो बहुत ही अच्छा रहा, अभी का भी सफ़र अच्छा ही है। बचपन में जब मैं 6 साल का था तो मेरे पास तेज मानसिक गणना करने की जमजात प्रतिभा थी, जो शकुंतला देवी जैसी जो प्रतिभा थी। तो इसी आधार पे वो जब मैं 6 साल का था तभी 1994 में लोगों ने नोटिस किया कि मैं बहुत ही तेज़ मानसिक गणना कर सकता हूँ। तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था, तो इसी प्रतिभा के आधार पर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने मुझे 9 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा देने की अनुमति दी थी, विशेष अनुमति दी थी 1997 में। और उसके बाद से माननीय पटना हाईकोर्ट ने मुझे ISC और BSC के 5 साल के कोर्स को 1 साल में पूरा करने की विशेष अनुमति दी थी। तो मैं 10 साल की उम्र में BSC की परीक्षा लिखा और उसका रिजल्ट आते आते मैं 11 साल का हो गया था, वो भी एक विश्व रिकॉर्ड है। उसके बाद से सर 12 साल की उम्र में मैंने MSc फिजिक्स का परीक्षा दिया, वो भी एक विश्व रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रमाणित है। और सर चूंकि मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए की, चूंकि मुझे फिजिक्स में रिसर्च करने का मन था और रिसर्च तो मैं इसे PhD में कर सकता हूँ, तो मैंने 15 साल की उम्र से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में अपना PhD का रिसर्च शुरू किया। रिसर्च बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा अच्छा काम किया है मैंने रिसर्च में। 21 साल की उम्र में मैंने PhD की डिग्री कंप्लीट की और मेरे काम के आधार पर, रिसर्च के काम के आधार पर मुझे 22 साल की उम्र में IIT बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑफर मिला और मैं सबसे कम उम्र का प्रोफेसर बना। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि मुंबई में आप पढ़ा रहे थे IIT में, लेकिन अभी कुछ सवाल सामने उभर रहे हैं कि आपको वहाँ से 4 साल के लिए अवकाश लेकर आए थे, उसके बाद बम्बई से वहाँ आपको बताया गया कि आप, कारण बताइए कि आप इतने दिन तक अवकाश में रहे, वहाँ से आपको हटाया गया है, तो अब आप क्या चाहते हैं, आगे क्या प्रोसेस? सर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 2010 में मैंने IIT बॉम्बे ज्वाइन किया था, दिसंबर 2013 तक मैं वहाँ सर्विस किया। इस 4 सालों में मुंबई की उमस वाली जलवायु जो है, चूंकि समंदर के किनारे बसा हुआ शहर है, उमस वाली जलवायु की वजह से मेरे स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब हो रहा था, मुझे सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, मुझे नींद में काफ़ी परेशानी हो रही थी। और इसके बाद से मैं 4 साल छोड़ के नहीं भागा था, मैंने डायरेक्टर सर को कहा था, डायरेक्टर सर ने मुझे स्पेशल केस में 4 साल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दिया था, मैं छोड़ के नहीं आया था। नहीं, वहाँ से कहा जा रहा है कि आप अवकाश लेकर आए थे, उसके बाद आपने ज्वाइनिंग नहीं किया। हाँ, अवकाश लेके आए थे, दिसंबर 2017 तक मेरा छुट्टी था, उसके बाद से IIT बॉम्बे ने कहा कि नहीं, अब आपको आगे छुट्टी नहीं मिल सकती, आप आइए ज्वाइन कीजिए या फिर रिजाइन कर दीजिए। मैंने उस वक्त IIT बॉम्बे से रिक्वेस्ट किया कि कृपा करके मेरे मामले को माननीय राष्ट्रपति जी को फॉरवर्ड कर दीजिए, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है और शायद माननीय राष्ट्रपति जी मेरा IIT दिल्ली में एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में ट्रांसफर कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारे IIT एक्ट में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि एक IIT से दूसरे IIT में ट्रांसफर हो सके, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण से स्थानांतरण का जो प्रक्रिया है IIT में संभव नहीं है, लेकिन चूँकि आपकी जो मेघा है, आप जिस तरह से होनहार हैं और रिसर्च करना चाहें, तो ऐसे में आपको अगर IIT दिल्ली भेजा, जैसा कि आपकी इच्छा है कि IIT दिल्ली आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका प्रावधान नहीं है, तो आपने वरीय जो ऊपर प्रधानमंत्री आपसे मिले हैं, तो प्रधानमंत्री तक आपने बात पहुंचाई है? जी सर, मैं जब सर्विस में था तो मैं पिछले साल में 2 महीने दिल्ली में रहा और दिल्ली में रह के मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से सबसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की ताकि मैं अपने ग्रीवेंसेस को, अपने इस मैटर को उन तक पहुँचा सकूँ, लेकिन सर मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला, शायद इसलिए चूंकि सर्विस रूल मुझ पर एप्लीकेबल था, मैं किसी भी बात को हायर अथॉरिटी तक डायरेक्टली नहीं पहुँचा सकता हूँ, ये हमारा सर्विस रूल है। नरेंद्र मोदी जिस समय मुख्यमंत्री थे, शायद जिस समय आपका गिनीज बुक में नाम आया था, तो आपने उनसे मुलाकात भी की थी शायद? जी सर, वर्ष 2012 में बिहार शताब्दी समारोह हुआ था गुजरात में, सूरत में, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने जन भाषण में मेरी कृपापूर्वक प्रशंसा भी की थी, मेरी उपलब्धि को सराहा था, उसका वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, और वो मुझसे मिले भी थे और वो मुझे बोले भी, तो खुद वो मुझे खींच के कि आओ फोटो खिंचाओ मेरे साथ, और फोटो भी खिंचवाया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, उनका प्रोत्साहन मिला था। तो इसलिए सर मुझे अभी पूरा विश्वास है कि अगर मेरा ये जो प्रार्थना है, पूर्वक प्रार्थना है, एक बार उनके कानों तक पहुंच जाए तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। लेकिन तथागत जी, ठीक है, पहुंचनी चाहिए बात, और संभवतः अगर मीडिया के माध्यम से यह बात उन तक पहुंचेगी तो कुछ संशोधन होगा और आपका स्थानांतरण की बात भी आएगी, लेकिन IIT दिल्ली ही क्यों, पटना में भी IIT है और यहाँ के भी स्टूडेंट भी चाहते हैं कि अगर आपसे पढ़ाई करें, तो अगर पटना का ऑफर दिया जाएगा तो क्या कहेंगे? सर IIT पटना
एक नया आईआईटी है सर, ये ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा आगे करेगा, लेकिन सर फिलहाल अभी वर्तमान में जो जो फैसिलिटीज़, जो रिसर्च फैसिलिटीज़ जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर जैसे संस्था में उपलब्ध है, वो फिलहाल सर नए आईआईटीज़ में नहीं है। तो इसलिए ताकि मेरा रिसर्च जो है, क्योंकि सर ऐसे भी मैं 10 साल में कुछ खास, मतलब जितना मैं कर सकता था अपनी क्षमता के अनुसार नहीं कर पाया सर, और समय कम होता है सर, तो मैं चाहता हूँ कि आईआईटी दिल्ली में एक बार मुझे फिर से वही रिसर्च फैसिलिटीज़ मिल जाए, मेरा स्वास्थ्य तो आईआईटी दिल्ली में ठीक रहेगा, क्योंकि जलवायु तो हमारे ही जैसा है, पटना जैसा है। मैं सर फिर से कुछ अच्छा करना चाहता हूँ सर, तो इसलिए आईआईटी पटना में मैं फिलहाल नहीं आना चाहता सर। अच्छा, ये एक अंतिम सवाल मैं करना चाहूँगा, इतनी कम उम्र में आपने अपने से बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो कुछ वैसा अनुभव बताइए कि आप अपने से बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे वहाँ बम्बई में, कुछ वैसा अनुभव जो कि कुछ स्टूडेंट को कुछ वैसा लगता हो कि काफ़ी कम उम्र के प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ऐसे अनुभव बताएं। जी सर, कभी कभी तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे, जब मैं क्लासरूम में आता था तो समझते थे कि प्रोफेसर है या हमारे जैसा स्टूडेंट है, तो उसी तरीके से कभी खड़े नहीं होते थे, क्योंकि वो समझते थे कि एक और स्टूडेंट आ गया है, लेकिन हाँ बाद में जब मैं बोलता था कि मैं ही प्रोफेसर हूँ, तो फिर वो लोग रिस्पेक्ट देते थे। तो और वैसे उम्र की वजह से इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि सारे स्टूडेंट्स से मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई, और अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुंबई में, ऐसे ही प्रोफेशनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने इन्जॉय किया, मैंने 4 साल इन्जॉय किया, बस यही अनफॉर्चुनेटली वहाँ के क्लाइमेट की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ। तो आपने देखा, ये हैं तथागत तुलसी, जो कि काफ़ी कम उम्र में बहुत सारी सफलताओं को हासिल किया है, लेकिन स्थिति अब यह है कि आईआईटी मुंबई से वो पढ़ा रहे थे, लेकिन अब वहाँ से इनको अवकाश समाप्त होने के बाद वहाँ का वातावरण इनको रास नहीं आ रहा है, शारीरिक रूप से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य खराब होने की बातें बताई जा रही है, लेकिन फिर भी अगर इनको मौका मिलता है आईआईटी दिल्ली के लिए, तो इनके मन के अंदर काफ़ी रिसर्च करने की भी कुछ बातें हैं, यह रिसर्च करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री तक यह बात पहुंचे जैसा कि उन्होंने कहा, और कुछ संशोधन करके अगर प्रधानमंत्री या शिक्षा विभाग की तरफ से अगर कुछ इस तरह की नीति बनाई जाती है और यह आईआईटी दिल्ली पहुँचते हैं, तो आने वाला जो समय है और इनसे जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनका भविष्य उज्ज्वल हो, ऐसा समय होने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।